अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाई हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून ندوی। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा, जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें बेबाक अंदाज में सुनने और देखने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है, चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे चैनलों को मजबूत करना चाहते हो, तो आप ऐसे चैनलों की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से आप हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 500, 200, 1000 जो भी आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी के साथ चैनल की मदद करें, चैनल को मजबूत करें। नाज़रीन, आइए इस वक्त मैं पहली बड़ी खबर आपके निगाहों के सामने पेश कर रहा हूं। लेकिन ये सब तमाम खबरें ऑडियो और आवाज़ की शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं पूरी फैमिली के साथ कश्मीर के दौरे पर हूं और फैमिली टूर है मेरा ये अपना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अभी यूँ समझिए कि 8:30 बज रहे हैं, श्रीनगर से निकलकर हम पहलगाम की तरफ रवाना हो चुके हैं। रास्ते में एक होटल में हम लोग नाश्ते वगैरह के लिए रुके हैं। खैर, अल्लाह का शुक्र है, गुज़िश्ता कल जो मंज़र मैंने अपनी आंखों से देखा श्रीनगर के, और श्रीनगर में डल झील के, मुग़ल गार्डन के, परी महल के, ऐसे ही गुलमर्ग के, वाकईतन अल्लाह ने कश्मीर को जिस एतबार से नवाजा है, जो दुनिया की इसे जन्नत कहा जाता है, वो सच कहा जाता है। बस दुआएं कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जन्नत की हिफाजत फरमाएं, और जो लोग इसे जहन्नम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ऐसे नापाक लोगों से इस प्यारे कश्मीर की और कश्मीरियों की अल्लाह हिफाजत फरमाएँ। आइए, इस वक्त पहली बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि बीजेपी की एक गुस्ताख नौपुर शर्मा, जिसने प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, माँ आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी की, और खबीस मर्दू चैनल टाइम्स नाउ, अब इसके खिलाफ नौपुर शर्मा, इस बीजेपी लीडर के खिलाफ और टाइम्स नाउ के खिलाफ ज़बरदस्त आवाज़ें उठ रही है। और महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे भिवंडी है, मुमरा है, मुंबई है, हर जगह बाकायदा उलमाए कराम पर मुश्तमिल नुमाइंदा वफ्द ने एहतजाज दर्ज किया और DCP योगेश चौहान से मुलाकात भी की भिवंडी में, और FIR दर्ज करने का मुतालबा किया। और मुमरा वगैरह में कुछ इलाकों में बाकायदा नौपुर शर्मा के खिलाफ FIR
हज़ार दर्ज भी हो चुकी है। वहीं पर रज़ा एकेडमी के अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने कहा कि तौहीन रिसालत की मुर्तकिब मलऊना मर्दूदा नौपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। नबी करीम सल्लम के नामूस पर मुसलमान सरों का नजराना पेश करने को तैयार है, यानी किसी भी हाल इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि बकायदा अब नौपुर की गिरफ्तारी के मुतालबे में शिद्दत आ गई है। मुमरा शाहीन बाग समेत दीगर जगहों पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। लखनऊ में भी खवातीन ने एहतजाज दर्ज करवाया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत ने 1 करोड़ रुपये का इनाम रखा है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि गुस्ताख रसूल नौपुर की गिरफ्तारी के मुतालबे में शिद्दत आ गई है। मुंबई के मुमरा में भी नौपुर शर्मा के खिलाफ इमाम कौंसिल ने एफआईआर दर्ज करवाई है। आइए ना, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के जितने भी लीडरान हैं आम तौर से वो कहीं ना कहीं सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, चीफ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए बिल्कुल घटिया किस्म के बयान देते रहते हैं। अभी एक बीजेपी के रुकने असम्बली का बयान आया है कि इसमें शुबा नहीं कि आरएसएस का परचम एक दिन कौमी परचम बनेगा। जी हाँ, हिंदुस्तान को जल्द अज जल्द हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आरएसएस की कोशिशें जारी है। इसका अंदाजा इस बात से मिलता है कि जबकि आरएसएस से जुड़े लीडरान और कारकुनान ही नहीं बल्कि बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन असेंबली हिंदू राष्ट्र को लेकर मुतनाज़ा बयान दे रहे हैं। अभी ताजा बयान कर्नाटक हुकूमत में साबिक वजीर और मौजूदा रुकने असेंबली ईश्वरप्पा का आया है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस का परचम एक दिन कौमी परचम बनेगा। उन्होंने कहा कि केसरिया परचम कुर्बानी की अलामत है, योगदान की अलामत है। इसका एहतराम आज या कल से शुरू नहीं हुआ बल्कि हजारों साल से इसका एहतराम हो रहा है। ईश्वरप्पा ने अपने बयान में आरएसएस की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के जज्बे को पैदा करने के लिए ही आरएसएस केसरिया परचम के सामने पूजा करता है। तिरंगा परचम हमारी आईन के मुताबिक कौमी परचम है। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि इतना घटिया मुतनाज़े और देश से गद्दारी वाला बयान बीजेपी रुकने असेंबली ने बयान दिया है, यानी तिरंगे का, कौमी तराने का, कौमी परचम की ये साफ तौहीन है और कौमी परचम की बेइज्जती है। मगर इस बयान को आतंकवाद से जोड़ा नहीं जाएगा, मुल्क को तोड़ने वाला बयान नहीं माना जाएगा। लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी रुकने असेंबली पर तिरंगा परचम की बेइज्जती और तौहीन करने पर बकायदा मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी अफसोसनाक खबर बिहार के जिला कटिहार से आ रही है। जी हाँ, कटिहार में भी निर्भया जैसी अंदोहनाक वारदात अंजाम दी गई। एक 16 साल की मुस्लिम बेटी का रेप और कत्ल हुआ है। इमारत शरिया के वफद ने अहल खाना से उस बेटी के खानदान वालों से मुलाकात की और हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी की। मैं आपको बता दूं कि 11वीं दर्जे की एक जहीन मुस्लिम तालिबा का पहले मंसूबाबंद तरीके से किडनैप किया गया, अगवा किया गया, उस पर जुल्म ज्यादती की गई, मारा पीटा गया, घिनौनी हरकतें की गई और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पोस्टमार्टम में खुदकुशी की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट पर इत्मीनान नहीं है। घर वालों ने दावा किया है कि इज्तिमाई इस्मत दरी की गई है, इसलिए दोबारा मेडिकल टेस्ट के लिए सदर अस्पताल में नमूना भेजा गया। अब रिपोर्ट का इंतजार है। अमीर शरीयत इमारत शरिया की हिदायत पर एक नुमाइंदा वफद ने मुतासरा बेटी के घर वालों से घर पहुंचकर मुलाकात की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। आइए ना, जिस वक्त बड़ी खबर आ रही है यूपीएससी सिविल सर्विसेज इम्तिहान एग्जाम के रिजल्ट को लेकर। जी हाँ, यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2021 का रिजल्ट आ गया। और मैं आपको बता दूं कि जामिया की एक बेटी श्रुति शर्मा ने टॉप किया है। और मैं आपको ये भी बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि गुज़िश्ता 10 सालों में अब तक का सबसे खराब रिजल्ट, सबसे खराब कारकर्दगी सामने आई है और सिर्फ 21 मुस्लिम स्टूडेंट्स कामयाब हुए हैं। जी हाँ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया। इस इम्तिहान में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की स्टूडेंट श्रुति शर्मा पहले मकाम पर रही, जबकि अंकिता अग्रवाल और कामिनी ने बेतरतीब दूसरा और तीसरा मकाम हासिल किया।
आइना दिन रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जी हाँ, राकेश टिकैत किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूरी तहरीक के रूह रवां जिनको माना जाता है, अब उनका ये मानना है कि बाकायदा उनकी तहरीक को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अभी फिलहाल बेंगलुरु से बड़ी खबर आ रही है कि किसान यूनियन के अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी गई। स्याही फेंकने वाले की खूब जमकर पिटाई हुई। बेंगलुरु में किसान रहनुमा राकेश टिकैत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, मारपीट भी हुई, एक दूसरे पर कुर्सियां भी फेंकी गई। लेकिन एक शख्स ने जिसने स्याही फेंकी, खबरें आ रही है कि उस शख्स की, यानी जिसने राकेश टिकैत पर स्याही फेंकी थी, उस शख्स की खूब जमकर पिटाई भी हुई है। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि बकायदा अब हमारी तहरीक, हमारी मोमेंट को भी कमजोर करने की नापाक साजिशें की जा रही हैं। आई नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आसाम से आ रही है। जी हां, आसाम में मुसलमानों समेत 6 मजहबी इकाइयों को अकलियत का, माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया। आसाम की काबीना ने इतवार को रियासत में 6 अकलियती बरादरियों को सर्टिफिकेट फराहम करने का बड़ा फैसला किया। रियासती हुकूमत आसाम ने कहा कि इस इकदाम से उन्हें अकलियतों के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के फवायद हासिल करने में मदद मिलेगी। ताहम रियासत में अपोजिशन ने इस इकदाम को हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी का तकसीमकारी का एजेंडा करार दिया है। जी हां, रियासती काबीना की मीटिंग के बाद बकायदा रियासती वजीर सेहत महंत ने बताया कि काबीना ने मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी बिरादरियों के लोगों को अकलियती सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया है और इसके मुताबिक कवानीन पर काम होगा। लेकिन बीजेपी पर इल्जाम लग रहा है कि बीजेपी तकसीम करने का काम कर रही है। आइए, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है बेंगलुरु से। जी आप जानते हैं कि बेंगलुरु में लगातार नीच हरकतें हो रही है और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिजाब का नीच नाटक भी कर्नाटक से ही शुरू हुआ था। आइए, इस वक्त ऐसी खबर आ रही है कि आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि टोपी पहनने पर तालिब इल्म की पिटाई कर दी गई। आखिर उन लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है और पिटाई करने वाले मुलजिमीन में कर्नाटक के कॉलेज के प्रिंसिपल और सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जाहिल लोग नहीं हैं, बल्कि पढ़े लिखे कॉलेज के प्रिंसिपल और सब इंस्पेक्टर, लेकिन इनके दिमागों में हिंदुत्ववादी जहर कैसे भर चुका है कि एक टोपी पहनने वाले स्टूडेंट की इन्होंने पिटाई की। मकामी अदालत की हिदायत पर आखिर इन पर कार्रवाई की गई। इस मामले में प्रिंसिपल और सब इंस्पेक्टर पर और दीगर कुछ अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। खबर के मुताबिक पुलिस ने इतवार के रोज इस मामले की इत्तला दी। रियासत के बागलकोट जिले के तेराडाला पुलिस स्टेशन की जानिब से मकामी अदालत की हिदायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्नाटक में किस हद तक नफरत मुसलमानों के खिलाफ फैल चुकी है। आइए, कर्नाटक के बेलगावी से ही इस वक्त फिर अजीब व गरीब खबर आ रही है। इस वक्त हर जगह मस्जिदों में मंदिरों के दावे किए जा रहे हैं, कहीं पर शिवलिंग निकल रहा है तो कहीं पर कुछ हो रहा है। और अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, बड़े बड़े लीडरान ऐसा जहर उगल रहे हैं। और मोदी जी की खामोशी, ये हुकूमत की खामोशी ये खुद बता रही है कि चलने दो बेटा, यही हम सब चाहते हैं। तो बेलगावी कर्नाटक से बीजेपी के एक एमएलए है अभय पटेल, इन्होंने दावा किया है कि बेलगावी में मंदिर के ऊपर शाही मस्जिद को बनाया गया है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने यह कहा है। और इस वक्त पूरे मुल्क में मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है और अपनी आतंकी दलाल मीडिया के जरिए से बकायदा इसी को दिखाया जा रहा है। और अब लोग समझने लगे हैं कि ये सब सारी हरकतें सिर्फ और सिर्फ असल मुद्दे बेरोजगारी, भुखमरी, तबाही और महंगाई, इन तमाम असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये नीच हरकतें की जा रही है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये मुल्क तबाही की तरफ बढ़ रहा है। आई नाज़रीन, गुज़िश्ता कल मैंने आपको बताया था कि कर्नाटक में फिर एक नीच नाटक शुरू हुआ है
और बाकायदा कर्नाटक की मलाली में जामी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता कल पूरी तफसील हमने बताई थी, लेकिन अब यह मामला इस तरीके से गर्मा रहा है कि मैंगलुरु की मस्जिद विवाद में SDPI ने RSS को खुली धमकी देते हुए यह कहा है कि मस्जिद की एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जाने देंगे। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने RSS को खुले आम धमकी देते हुए कहा है कि वो इस जगह से एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं ले जा सकता जहां मंदिर नुमा ढांचा पाए जाने का दावा किया गया है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में एक अलग सा माहौल बनाया जा रहा है। नफरती चिंटू जो है मुल्क में नफरतों का माहौल बना रहे हैं, और हर जगह यहां शिवलिंग निकला, यहां भगवान शंकर निकले, तो यहां हनुमान निकले, तो ये लक्ष्मण टीला है। तो इस तरीके से असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए बाकायदा इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसकी वजह है कि मोदी जी की और हुकूमत की खामोशी एकदम खुल कर ये बता रही है कि हुकूमत खुद चाहती है कि ये नफरती चिंटू, बल्कि हुकूमत चाहती नहीं है, हुकूमत बाकायदा इन्हें इस्तेमाल कर रही है। और फिर आतंकी और दलाल गोदी मीडिया है जो असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे ही मुद्दों पर, मंदिर और मस्जिद के मुद्दों पर बहस करवा रहा है, डिबेट करवा रहा है। लेकिन गुज़िश्ता कल SDPI ने खुले आम RSS को धमकी दी कि मस्जिद की एक मुट्ठी भी ले जाने नहीं देंगे। यानी आप समझ सकते हैं मुल्क का माहौल फिर किस तरफ ले जाया जा रहा है। नजर बड़ी खबर आ रही है, रियासत उत्तर प्रदेश के इल्मी तहरीक के शहर देवबंद, जहां से आजादी की तहरीक भी चली थी, हवाएं भी चली थी और कुर्बानियां भी दी गई थी, उसी देवबंद शहर से बड़ी खबर आ रही है कि वहां पर जो जमीयत उलमाए हिंद का इजलास था, इस इजलास में मौलाना महमूद मदनी और आए हुए तमाम उलमाए किराम जो मुल्क भर से वहां पर दो रोजा इजलास में जमीयत उलमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी के गए हुए हैं, वहां पर तमाम उलमाए किराम ने और मौलाना महमूद मदनी ने सब ने एक ही जुमला कहा और एक ही गूंज सुनाई दी कि मुल्क के असल दुश्मन नफरत फैलाने वाले हैं। और तमाम अकाबिर उलमा ने खिताब करते हुए यह भी कहा है कि जरूरत अगर पड़ी तो इस मुल्क को बचाने के लिए फांसी के फंदे भी कबूल करेंगे, मगर इस मुल्क पर आंच आने नहीं देंगे। मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी समेत वहां अकाबिर उलमाए किराम ने खिताब किया। उन्होंने कहा, मौलाना महमूद मदनी ने अपने सदारती खिताब में समाजी हम आहंगी की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि मुल्क के हालात मुश्किल जरूर हैं लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि मुसलमान आज मुल्क का सबसे कमजोर तबका है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम सर झुकाकर सब कुछ कबूल करेंगे और हर जुल्म को बर्दाश्त करेंगे, हम अपने ईमान का समझौता किसी हाल नहीं करेंगे। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि मुल्क में नफरत करने वालों की बड़ी तादाद नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अलमिया यह है कि अक्सरियत खामोश है, लेकिन वो जानती है कि नफरत से मुल्क कभी भी आबाद नहीं हो सकता और मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती। और तमाम अकाबरीन उलमा ने अपने खिताब में यह कहा है कि मुल्क के इस वक्त असल दुश्मन तो वो हैं जो मुल्क में नफरत फैला रहे हैं। क्यों होता है जुड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों उधम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।